एवरीवन, दिस इज नीता एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल नेट्स लाइफस्टाइल। तो सीधे बात करते हैं आज के वीडियो के बारे में। तो आज का वीडियो जो है वो किचन मेकओवर वीडियो होने वाला है। एक्चुअली लास्ट 3 मंथ्स पहले मैं एक न्यू अपार्टमेंट में शिफ्ट हुई हूँ। ये एक रेंटेड फ्लैट है, तो अपने न्यू किचन का मेकओवर को लेके मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। तो चलिए जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। तो मेकओवर शुरू करने से पहले मैं आपको अपने किचन का बिफोर वाला लुक दिखा देती हूँ। तो ऊपर यहाँ पे कुछ कैबिनेट बने हुए हैं और साथ साथ नीचे भी अच्छा खासा कैबिनेट मुझे मिला हुआ है, तो स्टोरेज वगैरह की प्रॉब्लम बिल्कुल भी नहीं होती है। बस ये किचन थोड़ा सा छोटा है, तो प्लेटफॉर्म का ही प्रॉब्लम है। बस इतना सा ही प्लेटफॉर्म इसमें बना हुआ है। यहाँ पे थोड़ा सा जगह है कुछ सामान रखने के लिए, और इधर वाले कॉर्नर एरिया पे भी थोड़ा सा स्पेस है कुछ सामान रखने के लिए। और इधर हमारा सिंक है, यहाँ पे 2 सिंक है, एक छोटू सा है और एक बड़ा है। और ऊपर विंडो है, और यहाँ पर हमारा थोड़ा सा स्पेस है जहाँ पर मैंने अपना रेफ्रिजरेटर रखा है। तो सारा सामान हटा के मैंने किचन को अच्छे से क्लीन कर लिया है। मैंने क्लीनिंग वाला पार्ट शूट नहीं किया क्योंकि वीडियो नहीं तो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता। तो सबसे पहले शुरुआत हम इधर वाले कॉर्नर से करेंगे, और यहाँ पर मैं एक ये 3 टायर स्टैंड को रख रही हूँ। तो सबसे पहले इस पे हम अपने मसाले वाले डब्बे को रखेंगे, और यहाँ नीचे हम ये चकले को रखेंगे, और इसके ऊपर में ये एक आटे का जो डब्बा होता है रोटी वोटियाँ बनाने के समय जो काम आता है उसे रख रही हूँ। और यहाँ पास में ही मैं ये सीज़र एंड नाइफ का जो सेट आता है उसे रख रही हूँ, और यहाँ पे हम ये ओखली को रखेंगे। और स्टैंड के ऊपर मैं ये मिक्सर ग्राइंडर को रख रही हूँ। यहाँ पे स्विच बोर्ड भी है तो यूज़ करने के लिए काफ़ी ज़्यादा ईजी होगा। और इसके ऊपर हम ये एक मैट को बिछा देंगे। और इधर सिंक है, तो सिंक के पास में मैं ये एक प्लास्टिक ड्रेनर को रखूंगी। और यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस खाली है, तो सबसे पहले यहाँ पर मैं एक ट्रे को रखूंगी, और इस ट्रे पे मैं अपने रोज़ की जो ज़रूरी चीज़ें हैं उनको ही रखना पसंद करूंगी। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे कैटल रखूंगी क्योंकि स्विच बोर्ड भी पास में है तो यूज़ करना ज़्यादा ईजी होगा। साथ साथ यहाँ पर मैं ये एक पानी का बोतल रखूँगी कि कुकिंग करते टाइम पे थोड़ा सा काम इजी हो जाए, और ये एक ग्लास। और यहाँ पर मैं ये एक बुद्धा जी का सिरेमिक पॉट ली हूँ, और इस पे मैंने कुछ कुछ ज़रूरी सामान रखे हैं जैसे स्पून, लाइटर, चिमटा, करछी, ये सब। तो अब बढ़ते हैं हमारे इस वाले कॉर्नर एरिया के तरफ। तो यहाँ पर मैं टी एंड कॉफ़ी स्टेशन बनाना चाहूँगी। तो सबसे पहले हम यहाँ पे 2 टायर स्टैंड को रखेंगे, और इस पे मैं ये टी, शुगर एंड कॉफ़ी वाले जो कंटेनर आते हैं उसे रख रही हूँ। एंड सच में ये कंटेनर दिखने में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। तो उसके बाद अब हम इस पे कप स्टैंड को रखेंगे, और ये कप स्टैंड सच में बहुत ही ज़्यादा प्यारा है, वुडन का है, लुक बहुत अच्छा है इसका। और इस कप स्टैंड पे ना बहुत ही आराम से 6 कप जो है वो आ जाते हैं, और कप रखने के बाद में इस स्टैंड का लुक जो है वो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। तो हम टी एंड कॉफ़ी स्टेशन बना रहे हैं, तो बिस्किट्स एंड कुकीज़ स्टोर करके रखना तो बनता है यहाँ पे। तो उन सबको रखने के लिए मैं इस तरीके का एयर टाइट ग्लास जार का यूज़ करूँगी, और इस एरिया को थोड़ा डेकोरेट करने के लिए हम इस तरीके का डेकोर आइटम का यूज़ करेंगे। और इसे पेस्ट करने के लिए मैं डबल साइड टेप का ही यूज़ कर रही हूँ, और ये काफ़ी अच्छे से पेस्ट हो गया था टाइल्स पे, बिल्कुल भी मुझे दिक्कत नहीं हुई थी। और यहाँ पे अब हम ये कॉफ़ी वाला भी लगाएंगे। मैं टी वाला भी ढूंढ रही थी पर मुझे टी मिला नहीं, तो ठीक है हम कॉफ़ी से ही काम चला लेंगे। तो अब यहाँ पे जो थोड़ा सा स्पेस है हम उसे यूटिलाइज़ करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं ये एक ट्रे को रखूँगी, और इस ट्रे पे मैं ये टिश्यू पेपर रख रही हूँ क्योंकि इस पे मैं अपने सारे ऑयल डिस्पेंसर्स रखना पसंद करूँगी।
और ये वाले जो ऑयल डिस्पेंसर है ना, सच में बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। बिल्कुल भी एक बूंद भी लीक नहीं होता है बोतल से जब भी आप यूज़ करेंगे तब। और यहाँ पे मैं ये एक पराठे वराठे बनाने के समय पे जो ऑयल लगता है उसे रख रही हूँ, साथ साथ ये एक घी पॉट और दो सिरेमिक पॉट भी मैं रख रही हूँ। एक में मैंने बटर रखा है और एक में जो हमारा यूज़ किया हुआ जो ऑयल होता है जो बच जाता है उसे रखा है। और अब इस बहुत ही प्यारे से एक कटलरी होल्डर को मैं यहाँ पे रख रही हूँ और इसमें मैं जो भी वुडन स्पैटुला या फिर जो भी बाकी के जो करछी वर्छी जो हमें ज़रूरत पड़ते हैं मैं उन सबको इसमें रखूँगी। और हाँ, यहाँ पीछे हम ये एक छोटू सा ट्रे को रखेंगे। तो चलिए अब हम थोड़ा अपने किचन के वॉल को डेकोरेट करते हैं। वॉल को ना थोड़ा सा डेकोरेट कर देने से किचन का लुक जो है वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगने लगता है। तो सबसे पहले हम इस तरीके का फ्रेम को लगाएंगे किचन पे, और इस पे जो कोट लिखा हुआ है वो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। और ये दोनों फ्रेम को मैंने ना छोटे से कील के हेल्प से ही हैंग किया है। और अब इधर वाले वॉल पे हम ये वॉल क्लॉक को हैंग करेंगे। किचन में क्लॉक रखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और अब जो ये गैस वाला जो एरिया है यहाँ ऊपर पे टाइल्स पे मैं स्टिकर लगाना पसंद करूँगी। स्टिकर लगाना बहुत ही ज़्यादा इजी होता है, बस आपको संभल के इसको इस तरीके से निकालना है। और बस निकालने के बाद में आपको टाइल्स पे या फिर वॉल्स पे आपको जहाँ पे भी लगाना है आप आसानी से इसे लगा सकते हैं। मेरा इसका लगाते हुए ना फुटेज जो है वो डिलीट हो गया था, तो उसके लिए सॉरी। नहीं तो इसे लगाना बहुत आसान है और यहाँ पे लगाने के बाद में इसका लुक जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। तो फ्रिज पे सबसे पहले मैं ये फ्रिज कवर को बिछाऊंगी। इसका कलर एंड प्रिंट जो है वो मेरे थीम से बिल्कुल ही मैच कर रहा था। और इसमें दोनों साइड में ना 3-3 पॉकेट्स बनाए हुए हैं, तो आप इसमें किचन से रिलेटेड कुछ भी सामान रख सकते हैं। मैं यहाँ पे कुछ मेडिसिंस एंड क्लिप्स वगैरह रख रही हूँ। और अब मैं ये इस तरीके का बैम्बो बास्केट का यूज़ करूँगी और इसमें मैं अपने सारे किचन टॉवल को रख रही हूँ। और इसे मैं फ्रिज पे ही रखना पसंद करूँगी कि लेटे टाइम थोड़ा हैंडी हो। अब हम इस एरिया को थोड़ा सा डेकोरेट करेंगे, तो उसके लिए यहाँ पर मैं ये एक मेटल जग को रख रही हूँ। उसमें मैंने फ्लावर रखा है और थोड़ा सा ग्रीनरी लुक देने के लिए ये एक आर्टिफिशियल प्लांट। और अब फ्रिज पे मैं ये दो बहुत ही क्यूट से फ्रिज मैग्नेट को लगा रही हूँ। फिलहाल मेरे पास पे यही दो मैग्नेट है तो मैं उसी से काम चला रही हूँ। और यहाँ नीचे मैं ये एक बोर्ड को लगा रही हूँ कि कुछ भी हमें किचन से रिलेटेड चीज़ें लिखना हो तो हम इस पे लिख पाएँ। तो चलिए अब बढ़ते हैं सिंक एरिया की तरफ। तो सिंक एरिया को अच्छे से ऑर्गेनाइज करके रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, तो उसे ऑर्गेनाइज करने के लिए मैं सबसे पहले इसे हटाऊंगी, क्योंकि मैं रेंटेड फ्लैट में रहती हूँ तो मैं ड्रिलिंग वगैरह नहीं कर सकती हूँ। तो इसी वजह से मैंने इस तरीके का ऑर्गेनाइज़र लिया है कि बिना ड्रिल किए ही हम इसे आसानी से हैंग कर पाएँ। और इसे हैंग करना बहुत आसान है, बस पीछे से प्लास्टिक को रिमूव करना है और इस तरीके से टाइल्स पे लगा देना है। और इसमें हम अपना क्लीनिंग से रिलेटेड चीज़ें रखेंगे। तो यहाँ पे मैं विम लिक्विड बार रख रही हूँ, साथ साथ हैंड वॉश, स्क्रब और जो वाइप होता है जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है किचन में, उसे यहाँ पे हैंग कर देंगे। तो सिंक एरिया पे मुझे कुछ चीज़ों को हैंग करके भी रखना है, तो हैंग करने के लिए मैं इस तरीके का एडिसिव हुक का यूज़ करूँगी। एक हुक को मैंने यहाँ वॉल पे लगाया है और इस पर मैंने दो स्टैनर को हैंग किया है। तो चॉपिंग बोर्ड को भी मैं सिंक एरिया के पास ही हैंग करना पसंद करूँगी कि जब भी हम कुछ कट करें और इसे धोएं तो हम यहीं पे हैंग भी कर दें। और साथ साथ हम यहाँ पे एक टॉवल को भी हैंग करेंगे। और मेरे किचन में ना पहले से ही यहाँ पे एक हैंगर बनाया हुआ था, तो यहाँ पर मैं ये अपना एप्रोन रखूँगी।
तो चलिए अब बारी आती है कुछ ग्रीनरी ऐड करने की। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे आर्टिफिशियल वाइन को रख रही हूँ और यहाँ पर ये एक छोटा सा आर्टिफिशियल प्लांट को रखूँगी। और मैं आपको बता दूँ कि मेरे किचन में ना सनलाइट की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, तो नेचुरल प्लांट जो है वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा, इसी वजह से मैं आर्टिफिशियल प्लांट का यूज़ कर रही हूँ। यहाँ पे हल्की सी सनलाइट आती है तो इसलिए मैं यहाँ पे मनी प्लांट को रख रही हूँ। प्लांट चाहे नेचुरल हो या फिर आर्टिफिशियल, किचन में रखने से ना किचन का लुक जो है वो बहुत ही खूबसूरत लगता है। और यहाँ पे विंडो पे भी मैंने एक प्लांट रखा है और इसे मैंने रिपोर्ट नहीं किया है क्योंकि मैं तुरंत ही नर्सरी से लाई थी। और इस तरीके से कॉर्नर एरिया पे आप क्रीपर्स वगैरह हैंग करेंगे ना तो किचन का लुक जो है बहुत ही अच्छा लगेगा। और कुछ इस तरीके के डेकोर आइटम से भी हम अपने किचन को डेकोरेट करेंगे। आजकल इस तरीके के डेकोर आइटम काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड में है। इस पर लिखा हुआ है माई किचन माई रूल्स। और अब जो हम सबके किचन की सच्चाई है उसे मैंने अपने किचन के डोर पे ही हैंग किया है। और लास्टली हम ये मैट को बिछाएंगे। मैट बिछाने से किचन का फ्लोर का लुक जो है वो बहुत ही अच्छा लगने लगता है। तो चलिए अब हम आपके साथ में किचन का फाइनल रिवील करते हैं। तो मैंने किचन काउंटर टॉप पे उतना ही सामान रखा है जितना मुझे रोज़ ज़रूरत पड़ता है और स्पेस भी उतना नहीं है कि मैं ज़्यादा सामान इस पे रख पाऊँ। और वैसे बाकी की चीज़ें मैं अंदर ही रखना पसंद करती हूँ। तो दोस्तों आपको मेरा ये आज का किचन मेकओवर कैसा लगा आप प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और मुझे तो ये फ्रिज वाला कॉर्नर एरिया ना बहुत ज़्यादा पसंद आया है। आपको इस मेकओवर का कौन सा पार्ट सबसे ज़्यादा पसंद आया आप उसका भी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। और इस वीडियो में जो भी प्रोडक्ट मैंने ऑनलाइन लिया है उन सब का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो ये था मेरे न्यू फ्लैट का पहला मेकओवर जो मैंने किचन से शुरुआत किया है। अभी धीरे धीरे मैं आपके साथ में और भी सारे मेकओवर वीडियो शेयर करते जाऊंगी और उन सबको देखने के लिए आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और साथ साथ आपको अगर ये मेकओवर पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक करना मत भूलिएगा। आपके एक लाइक से मुझे बहुत कुछ मिल जाता है। और आप मुझे इंस्टाग्राम एंड फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं। वहाँ मैं अपने आने वाले वीडियोस के अपडेट एंड पिक्चर्स वगैरह शेयर करते रहती हूँ। उसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। टिल देन बाय बाय।